क्या आप अजीब अजीब लोग देखना पसंद करते हो, जैसे जादू की दुनिया और वेम्पायर और एक रोमांचक एक ऐतिहासिक कहानी। आज मैं एक नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देखा। इस वेब सीरीज का नाम है वेनेसडे। ये बुधवार के दिन नहीं, फिर उस लड़की का नाम है वेनेसडे। मैं हर एक एपिसोड को देखा, तो 1 से लेकर 8 तक मैं देखा सभी एपिसोड को, वो भी 2 दिनों में। और 2 दिनों में देखने के बाद हर एक एपिसोड 45 मिनट का है, और मैं 2 दिन में इस एपिसोड को पूरा किया। इस वेब सीरीज को देखा तो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। इस स्टोरी में एक दिलचस्पी वाली स्टोरी है, आपको एक जगड़ कर रखेगा, आपको उठने नहीं देगा, उस टाइप से यह स्टोरी है। इस वेब सीरीज से पहले बात करने पर हमारे चैनल पर न्यू आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप अगर पूरा एपिसोड अगर देख लोगे तभी आपको मजा आएगा। और यह एक दिलचस्पी वाली स्टोरी है, और इस स्टोरी की बात करो तो वाकई में दम है, और इसमें का जो वीएफएक्स जो सीन है वो वाकई में अच्छा है। ये एक लड़की है जो स्कूल को बिल्कुल ही नापसंद करती है, क्योंकि वो हर एक स्कूल में जाती है तो जो प्रिंसिपल है उसको निकाल देती है, क्योंकि वो जो लड़की है ऐसा कुछ काम कर देती है जिसके वजह से प्रिंसिपल उसको निकाल देती है। इसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लोग सोचते हैं हमारी जो बेटी है कुछ अच्छा कुछ करे और हमारे नाम रोशन करे, लेकिन वैसा कुछ नहीं चाहती। वो बस ये चाहती हो लड़की, क्योंकि मैं अकेले रहूं, ना मैं किसी से मिलूं, ना मैं किसी से दोस्ती करूं। और वाकई का अगर चेहरा देखोगे ना, एक छोटी सी भोली भाली टाइप से सूरत दिखती है, और आपको लगेगा कि हाँ ये तो कुछ नहीं जानती। हाँ, लेकिन उसके पास एक शक्ति रहती है उस लड़की के पास, कि वो फ्यूचर देख सकती है। अगर किसी को अगर हाथ को अगर टच करे तो पूरी तरीके से उसकी फ्यूचर को देख लेती कि आगे क्या होगा और उसके साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद उसके माता पिता ये सोचती है कि दोबारा स्कूल से ना भागे, तो वो अपना एक साथी छोड़ जाता है, वो भी हाथ इतना सा कटा रहता है, ऐसे से चलते रहता है। देखोगे तो आपको लगे कि है क्या, थोड़ी सी अटपटा है लेकिन ठीक है। जैसे कि वो लड़की स्कूल जाती है तो उसको अजीब अजीब लोग दिखाई देते हैं, और हर एक जो लोग रहते हैं उसमें अलग अलग सुपर पावर रहते हैं। जब एक दिन वो लड़की स्कूल से जब बाहर जाती है अपने दोस्त के साथ, वो भी जंगल में एक जानवर दिखता है, और वो जानवर उसके दोस्त को मार देता है। तो वो लड़की सोचती है कि इसको क्यों मारा, और तहकीकात करने लग जाती है। और इसका हर एपिसोड देखना तो आपको दिलचस्पी लगेगा, क्योंकि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आप सोचते रहोगे। और धीरे से उसके बाद तहकीकात करने के बाद उसके मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। तो उसके दोस्त जो मरा है तो सोचती है कि शायद मेरे मम्मी पापा वेम्पायर थोड़ी ना है बोलकर वो सोचती है। उसके बाद उसका भी तहकीकात करती है, क्योंकि जो उसके मम्मी पापा जब स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे किसी का मर्डर हो जा रहे थे, तो शायद उसी का बदला बदला लेने के चक्कर में उसके मम्मी पापा ऐसा थोड़ा कुछ कर, वो उसके ऊपर शक करती, लेकिन वो नहीं रहती, कोई और ही रहती है। आगे आगे कहानी बढ़ता तो ढूंढते रहती है कि कौन है, कैसा है, और उसके जितने भी जो स्कूल के जो फ्रेंड रहती सभी लोगों को पूछताछ करती है, और सभी लोगों को नजरिए से देखती है कोई तो होगा जो स्कूल में जो ऐसा कुछ कर रही है। तो ढूंढने का बहुत ही प्रयास करते, धीरे से किताब मिल जाता है। उस किताब में जो जानवर का जो जिक्र किया रहता है उसी किताब में रहता है, और धीरे से वो फिर तहकीकात करने लग जाती है वो लड़की, और धीरे से उसको पता चल जाता है। और उसके बाद देखना 6वां और 7वां में, तो आपको लगेगा कि हाँ आपको पता चलने वाला है। और जैसे अब लास्ट एपिसोड में जाओगे आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगी हाँ वो जो कौन है, जो विलन जो उस दोस्त को मारा था और कई सारे लोगों को मारा था, जो लड़का है उसी के सामने रहता है और उसको पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि वही है बोलकर, और उसके बाद उसको मार देता है। उसके बाद जो शैतानी लोग जितने लोग रहते हैं सभी लोगों को मार देती है वो लड़की। उसके बाद अपने फैमिली के साथ दोबारा चली जाती है, और जिस स्कूल में रहती है वहाँ जितना भी कारनामा किया था वो वाकई में दिलचस्पी वाला है। अब देखोगे इस वेब सीरीज को तो बहुत ही आपको जबरदस्त लगेगा। इस वेब सीरीज की बात करें तो वाकई में नेटफ्लिक्स बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लाया है। आप इस वेब सीरीज को हिंदी में आप देख सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।